अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए फ्रेंड्स, ये आजकल हमारे गार्डन में एक दो ऐसे याला फ्लावर खिल रहा है। गुड़हल का बहुत ही प्यारा कलर है और खूब बड़ा से फूल खिलता है, हाथ से भी बड़ा है हमारे। बहुत ही अच्छा कलर है। और फ्रेंड्स, ये हर श्रृंगार वाला जो प्लांट्स है गमले में, उसमें भी बड्स आ गई हैं। अब कुछ दिन के बाद खिलने लगेंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, बनाना पील्स को काट के मिट्टी में दबा दिया था गमले में, और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाला था। और ये हमारे घर में देखिए तितलियाँ बहुत आती हैं फ्रेंड्स। ये मधुकामनी का प्लांट्स है, इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, अब फिर होने वाली है फ्रेंड्स। ये तितली बहुत ही ज़्यादा इसमें घूमा करती है, जब प्लांट्स में फ्लावर रहते हैं तब भी और नहीं है तब भी। कोई केमिकल का छिड़काव नहीं करते हैं फ्रेंड्स, जहरीली दवाओं का, नीम ऑयल का ही छिड़काव करते हैं जब कुछ छिड़कना होता है दवा। तो ये बहुत ही अच्छी सी तितलियाँ आती हैं, मधुमक्खियाँ आती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सब आती हैं तितलियाँ। तो फ्रेंड्स, ये जो गमले में नीचे पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा, गमले के नीचे मतलब जड़ तक, तो इसको हम तोड़ देते हैं कि फंगस ना लगे। और छोटी चीज़ों से चम्मच है, इसे छुरी है, इससे हम लोग गुड़ाई करते रहें हर 15 दिन पर, 1 महीने पर, तो बहुत ही अच्छा रहता है। गुड़ाई भी फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र का काम करती है, गुड़ाई से पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। अगर गुड़ाई हम नहीं करेंगे, बरसात के बाद मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है, अगर गुड़ाई करते रहेंगे फ्रेंड तो इससे अच्छा रहता है, ग्रोथ अच्छी रहती है। नहीं करेंगे तो बहुत ख़राब हो जाता है, प्लांट्स मर भी जाता है। तो फ्रेंड्स, हम ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालते हैं, चाय पत्ती बहुत फ़ायदा करती है वो डालते हैं, केले के छिलके और ठंडी में मस्टर्ड। अब इस टाइम सोचा कि लाओ थोड़ा ये DAP डाल के देखें फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ दाने ऐसे डाल दें एक एक गमले में, गमले के हिसाब से, तो फ्लावरिंग अच्छी होती है। ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, बहुत कम ही डालना है दाने हैं, वो गिन गिन के, जितनी जैसे 10 लीटर की है तो 10 दाने, 20 लीटर की है बाल्टी तो 20 दाने। तो ज़्यादा डालने से फ्रेंड्स ये जल भी सकता है प्लांट्स, तो ऐसे किनारे पर डालना है, दूर दूर हमको इसकी जड़ में स्टेम के पास नहीं डालना है, थोड़ी दूरी पर गड्ढा बना के और उसमें डाल के फिर मिट्टी से बंद कर दें। बहुत ही अच्छी इससे भी फ्लावरिंग होती है और साइज़ बड़ा हो जाता है फ्लावर्स का। ये हमारा सफ़ेद गुलाब का है पौधा, तो ये बहुत बड़ा हो गया था, दीवार के ऊपर निकल गया था बाहर, पूरा ऐसे गुच्छे गुच्छे लटकते रहते हैं बाहर, तो इसको काट दिया था फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कर दी थी, बहुत ज़्यादा फैल गया था ये, तो इसको काट दिया था। तो अभी इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं दिया है फ्रेंड्स, यही DAP डाला है और गोबर की खाद थोड़ी सी डाल देंगे, और सरसों की खली एक दिन डाली थी वही लिक्विड वाली फर्टिलाइज़र। और फ्रेंड्स, इसमें गुच्छों में आते हैं फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत लगता है, लटके रहते हैं, तो ठंड में जो विंटर में बहुत बड़े बड़े से होते हैं, साइज़ अच्छी रहती है, गर्मियों में भी आते हैं साइज़ थोड़ा छोटी हो जाती है, लेकिन हाँ फ्लावरिंग फ्रेंड्स आम बहुत ही अच्छी होती है, जब होगी विंटर में बहुत अच्छे से तब दिखाएंगे फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल।